हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेटजी वगैरह, सिलेबस, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, क्या पैटर्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाकी बातें तो मैं आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि 19 तारीख से 12 सितंबर तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। 1033 पोस्ट है, ओके। और उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएट मांगी गई है, ठीक है। और फीस देखिए, इसमें फीस काफ़ी हाई फाई रहती है यूपीपीसीएल की जो भी भर्ती आती है। तो 1180 रुपये जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, वहीं पर 826 रुपये एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए है और 26 रुपये जो है अदर जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके लिए रखी गई है फीस। तो ये तो आपका हो गया फॉर्म से रिलेटेड। अब बात करते हैं सिलेबस, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन करने ही होंगे। अगर 20 मार्क्स आपके नहीं आए उसमें तो आप फेल हो जाओगे, आपका ये भी चेक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर को अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्यूटर में 50 में से 20 नंबर आपके आने ही चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर की पीडीएफ्स अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैं डेली वहां पर कंप्यूटर की पीडीएफ्स अपलोड कर रहा हूं टॉपिक वाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर के डायरेक्ट स्पार्कल एजुकेशन सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पहला फोकस रहेगा हमारा कंप्यूटर पर, कंप्यूटर, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पूछी जाएगी, दोनों का ही बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 55 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों में से हम किसी को स्किप नहीं कर सकते, दोनों को ही अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। कम से कम इंग्लिश में यहाँ पर हमें 45 प्लस क्वेश्चन आने ही चाहिए, हिंदी में कम से कम लगभग 45 से 50 के आसपास हमारे सही होने चाहिए। तो ये टारगेट बना करके आप रखो। रीजनिंग में हमारे 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये टारगेट बना करके रखो। जीएस में 10-15 क्वेश्चन भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना में ही काम हो जाएगा। टोटल 180 प्रश्न रहेंगे, 180 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के, तो इसमें से लगभग 150 प्लस आपको स्कोर करना होगा, 150 प्लस, ठीक है। इतने का टारगेट बनाकर के ले चलो और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। हिंदी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो, फिर रीजनिंग को पढ़ो। रीजनिंग तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी भी आपने दोनों में से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रखा होगा, उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से और रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली, ओके। इस तरीके से आप लेकर के चलो। दूसरा, यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा होता है, यानी स्पीड काफ़ी अच्छी मांगी जाती है। जैसे हिंदी के लिए आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। कृतिदेव फाउंड जो है मांगा गया है 010 और एक और है कोई, ठीक है, तो ये मांगा गया है। बाकी इंग्लिश में जो है एक बोनस टाइपिंग है। बोनस टाइपिंग का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट से ऊपर की टाइपिंग करते हो या मिनिमम स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट रहती है तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इंग्लिश की भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस करो अपने कंप्यूटर पर और टाइपिंग भी साथ में करते चलो, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, रीजनिंग जो है पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। और जीएस वगैरह, जीएस पे कम ध्यान फोकस करो क्योंकि नॉर्मल पढ़ लो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कर लो बस। 15 क्वेश्चन चाहिए जीएस में, इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है, इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। और एग्ज़ाम के भी ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 2 महीने आप मान के चल सकते हैं। डेट भी दी हुई है, शायद अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में 2 महीने भी जो है
2 महीने आप मान करके चल सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, ठीक है, और अपने जो है एग्ज़ाम को क्रैक करो और आराम से जॉब लो, ठीक है। तो ये थी चीज़ें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।